नमस्कार, राज्यसभा टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम बेहद ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। जिस समय भारत में चारों ओर पाखंड, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का बोलबाला था, उस समय महान देशभक्त और निडर सन्यासी स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन सबके खिलाफ जमकर आवाज उठाई। उन्होंने देश में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए पाखंड खंडनी पताका फहराकर पोंगा पंथियों को चुनौती दी, तो जाति प्रथा को तोड़ने और विधवा विवाह का समर्थन कर समाज में एक नई अलख जगाई। वेद के महत्व को स्थापित करने के साथ ही उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना की जिसके विचार सुधारवादी और प्रगतिशील थे, जिसे उन्होंने आर्य समाज के नाम से पुकारा। गुजरात में जन्मे स्वामी दयानंद सरस्वती शिक्षा से लेकर समाज उत्थान के तमाम कार्यों के चलते एक सन्यासी योद्धा कहलाए। वे स्वामी जी ही थे जिन्होंने स्वराज का नारा दिया, जिसके बाद में लोकमान्य तिलक ने इसे आगे बढ़ाया। स्वामी जी हमेशा अपने उद्देश्यों के जरिए युवाओं को देश प्रेम और देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने की प्रेरणा देते रहे। उन्होंने जीवन भर हिंदी भाषा का प्रचार किया। उनका कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश वैचारिक क्रांति का महान शंखनाद है। स्वामी दयानंद सरस्वती अपने महान व्यक्तित्व एवं विलक्षण प्रतिभा की वजह से जनमानस के हृदय में आज भी विराजमान है। स्वामी दयानंद सरस्वती उन महान संतों में अग्रणी हैं जिन्होंने देश में प्रचलित अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, कई तरह के आडंबरों और सभी अमानवीय आचरणों का पुरजोर विरोध किया। महान राष्ट्रभक्त और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने कार्यों और संदेश से समाज को नई दिशा और एक ऊर्जा दी। महात्मा गांधी जैसे कई महान पुरुष दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति, आस्था और वर्ग आधारित सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है और उन्होंने सबको आर्य यानी कि सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित किया। उन्नीसवीं शताब्दी में जब हम अपनी संस्कृति और आस्था को पश्चिमी संस्कृति के सामने कमतर समझते थे, तब एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ जिन्होंने हमें आत्मसम्मान और पुनर्जागरण का मार्ग दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। आधुनिक भारत के महान चिंतक और समाज सुधारक दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, इस वजह से इनके माता पिता ने उनका नाम मूल शंकर रखा था। स्वामी दयानंद सरस्वती भगवान शिव के सच्चे उपासक थे, लेकिन उनके आस्था भाव को उस वक्त ठेस पहुंची जब उन्होंने भगवान शिव पर चढ़ा प्रसाद एक चूहे को खाते हुए देख लिया। उसके बाद से ही उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया। उनके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म की पारंपरिक मान्यताओं और ईश्वर के बारे में गंभीर प्रश्न पूछने के लिए विवश कर दिया। उनका बचपन सुविधा संपन्न था और उन्हें किसी प्रकार का अभाव नहीं था। शुरू से ही उन्होंने वेदों, शास्त्रों, धार्मिक पुस्तकों और संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। प्रारंभिक उनकी शिक्षा दीक्षा घर में ही हुई। संस्कृत का व्याकरण उन्होंने पढ़ाया। उनके चाचा जी उनसे बहुत स्नेह प्यार करते थे। उनके चाचा ने उनको संस्कृत की वर्णोच्चारण शिक्षा और यजुर्वेद के कुछ अध्यायों को उनको याद भी कराया। और इस तरह से जब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं और आगे कुछ ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहता हूँ, इस सच्चे शिव को, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ, तो इसलिए उन्होंने फिर बाद में चल करके घर छोड़ दिया। बड़े होने पर स्वामी दयानंद सरस्वती के माता पिता उनका विवाह कर देना चाहते थे, लेकिन उनका मन ज्ञान की खोज में रम गया था। 1846 में उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और अगले 25 साल तक उन्होंने हिमालय की पहाड़ियों में भटकते, ज्ञानार्जन करते और अपने गुरु की सेवा करते हुए बिताए। उन्होंने योग विद्या और शास्त्र ज्ञान श्री विरजानंद से प्राप्त किया था। उनके गुरु विरजानंद ने उन्हें समाज में व्याप्त कुरीति,
अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध कार्य करने और आम जनगण में जागरूकता फैलाने को कहा। सन्यासी वो इसलिए बने क्योंकि उनके जीवन में एक घटना घटती है, उनकी जो चाचा थे जिनसे उन्होंने संस्कृत पढ़ा है, व्याकरण पढ़ा है, और चाचा से बहुत स्नेह प्यार करते थे, उनकी बहन की मृत्यु को देखा उन्होंने, हैजे की वजह से उनकी बहन और चाचा की मृत्यु को जब देखा तो उन्होंने सोचा कि एक न एक दिन मुझे भी इस संसार से ऐसे ही जाना पड़ेगा। और माता पिता तो चाहते थे कि बालक मूल शंकर का विवाह कर दिया जाए, पर मूल शंकर ने कहा कि नहीं, मैं सच्चे शिव को खोजना चाहता हूँ। और इसी घटना की वजह से वो सच्चे शिव को प्राप्त करने के लिए घर से निकल पड़े, योगियों से मिले, और ऐसे सोचते खोजते खोजते स्वामी पूर्णानंद सरस्वती दाक्षिणात्य एक विद्वान थे, उनसे वो मिले, तो उन्होंने बालक मूल शंकर को दीक्षा दी और मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा। दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। इसका मकसद देश में रूढ़ियों, कुरीतियों, आडंबरों, पाखंडों से मुक्त एक नए स्वर्णिम समाज की स्थापना करना था। आर्य समाज के जरिए उन्होंने समाज सुधार के काम को आगे बढ़ाया। देखते ही देखते देश भर में इसकी शाखाएं खुल गईं। वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और लोगों को वेदों की महत्ता के बारे में बताया। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को फिर से हिंदू बनने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया। 1886 में लाहौर में स्वामी दयानंद के अनुयायी लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू समाज को इससे नई चेतना मिली और अनेक संस्कारगत कुरीतियों से छुटकारा मिला। दयानंद सरस्वती एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने जातिवाद और बाल विवाह का विरोध किया और नारी शिक्षा के साथ ही विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। समाज सुधार के साथ ही दयानंद सरस्वती ने अंग्रेजों के खिलाफ भी कई अभियान चलाए। उन्होंने ही कहा कि भारत भारतीयों का है। उन्होंने अपने प्रवचनों के जरिए भारतवासियों को राष्ट्रीयता का उपदेश दिया और भारतीयों को देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित करते रहे। गुरु से जब दक्षिणा मांगी गुरु ने, तो यही कहा था कि दयानंद ने कहा मेरे पास तो गुरुजी कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी लौंग लेकर के जब गए तो विरजानंद ने कहा कि बालक दयानंद, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया कि थोड़ी सी लौंग दे करके और तुम सोचो कि मेरा सारा तुम ऋणों से ऋण हो सकोगे। इस देश के अंदर अज्ञान, अविद्या, अंधकार फैला हुआ है। समाज के अंदर अनेक प्रकार की कुरीतियाँ हैं। लोग वेदों को भूल चुके हैं, भारत की संस्कृति को भूल चुके हैं, वैदिक संस्कृति को भूल चुके हैं। तो दयानंद ने कहा गुरुजी आप क्या चाहते हो? तो बोले तुम अपना सारा जीवन इस देश के, राष्ट्र के उद्धार के लिए समर्पित कर दो। और तथास्तु कह करके दयानंद ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए और इस देश के अंदर आर्य समाज की स्थापना की 1875 में मुंबई के गिरगांव प्रांत के काकड़वाड़ी इलाके में। दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों के प्रचार के लिए हिंदी भाषा को अपनाया। उनकी सभी रचनाएं और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश मूल रूप में हिंदी भाषा में लिखा गया। दयानंद सरस्वती धार्मिक संकीर्णता और पाखंड के विरोधी थे। इस वजह से कुछ लोग उनसे शत्रुता भी करने लगे। इन्हीं में से किसी ने 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती को दूध में कांच पीसकर पिला दिया। इससे उनका 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में निधन हो गया। दयानंद सरस्वती सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार के निर्भीक योद्धा थे। उन्होंने शैक्षिक और सामाजिक सुधार, विशेषकर महिला सशक्तिकरण और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रभावशाली उपाय किए। उनका कार्य आज भी भारतीय समाज और पूरे विश्व के लिए बेहद ही प्रासंगिक है। दयानंद सरस्वती ने जिस आर्य समाज की स्थापना की, आज उसकी लगभग 10,000 इकाइयां पूरी दुनिया में कल्याणकारी गतिविधियां चला रही हैं। आर्य समाज ने नैतिकता आधारित आधुनिक शिक्षा के प्रोत्साहन में अभूतपूर्व योगदान किया है और उसने समाज में सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और वंचित वर्गों की उन्नति के लिए काम किया। आर्य समाज ने देश भर में कई स्कूल और कॉलेज स्थापित किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय समाज में ऐसे कई समाज सुधारक हुए जिन्होंने सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया।
ऐसे ही समाज सुधारकों में एक हैं आर्य समाज के संस्थापक और महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने समाज में मौजूद अंधविश्वास और रूढ़ियों को खत्म करने में अहम योगदान दिया। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का काम किया। आर्य समाज के प्रवर्तक और प्रखर सुधारवादी स्वामी दयानंद सरस्वती ने जहां भारतीय समाज को पिछड़ेपन से दूर करने का आह्वान किया, वहीं ज्ञान के लिए संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया, जो ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि वो नए और पुराने में सामंजस्य बनाकर रखते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के महान चिंतक और निर्माता थे। 19वीं सदी के मध्य में भारत में पुनर्जागरण और सुधार आंदोलनों की शुरुआत जिन जिन क्षेत्रों में हुई उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती की भूमिका अतुलनीय थी। दरअसल 19वीं सदी के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलनों में दयानंद सरस्वती स्वयं एक आंदोलन थे। शिक्षा का प्रसार, कुप्रथाओं और कुरीतियों के निवारण, स्त्री और पिछड़ों की शिक्षा, स्वदेशी राष्ट्रीयता के विकास, रूढ़िवादिता को खत्म करने और अपनी संस्कृति के प्रति गर्व के भाव को जगाने के लिए जो ठोस काम स्वामी दयानंद सरस्वती ने 150 साल पहले किया, वो आज तक कोई व्यक्ति या संगठन नहीं कर पाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जीवन भर समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के प्रति लोगों को जागृत करने का काम किया। उन्होंने जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। स्वामी दयानंद ने दलितों के उद्धार, स्त्रियों की शिक्षा, बाल विवाह निषेध, सती प्रथा और विधवा विवाह को लेकर समाज में क्रांति पैदा की। दयानंद सरस्वती का मानना था कि तीर्थ एक अच्छे कार्यों के लिए, सत्य बोलने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, न कि पूजा और कर्मकांड के लिए। वे जातिवाद के भी विरोधी थे। वे जन्म से जाति यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की उत्पत्ति को सत्य नहीं मानते थे। उनका मानना था जो धर्म, शास्त्रों और वेदों का ज्ञान प्राप्त करेगा वही ब्राह्मण कहलाएगा। उन्होंने छुआछूत को भारतीय समाज का सबसे बड़ा दोष माना। दयानंद सरस्वती ने बताया कि पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, बलि प्रथा आदि को कहीं भी वैदिक साहित्य में मान्यता प्राप्त नहीं है और ये गलत है। वे जीवन भर इसका विरोध करते रहे। उन्होंने वैदिक काल के सामाजिक ढांचे के आधार पर समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान दिलाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि समाज में स्त्रियों का समान अधिकार होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो यहाँ तक कहा कि वेदों के अध्ययन का अधिकार स्त्रियों को भी उतना ही है जितना पुरुषों को। स्वामी दयानंद सरस्वती का मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म और संस्कृति की पुनर्स्थापना थी। उन्होंने वेदों की श्रेष्ठता का दावा किया और वेदों के आधार पर ही हवन, यज्ञ, मंत्रोच्चारण, कर्म आदि पर बल दिया। उनका मानना था कि ईश्वर निराकार है, इसीलिए मूर्ति पूजा निरर्थक है। उन्होंने ईसाई मत और मुस्लिम धर्म में हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को रोकने की कोशिश की और इसके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने शिक्षा की एक ऐसी पद्धति की शुरुआत की जो भारत की संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप थी, जिसमें प्राचीन वैदिक शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान को भी पर्याप्त जगह दिया गया। उनका प्रयास था कि शिक्षा समाज के मुट्ठी भर लोगों की जागीर नहीं बने बल्कि सबको समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। दयानंद सरस्वती ने न केवल प्रचारित शिक्षा की विकृतियों और असंगतियों को दूर किया बल्कि शिक्षा के जरिए वे विश्व भर में एक ऐसी नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जो समतापूर्ण और न्याय पर आधारित हो। दयानंद के विचारों और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1885 में लाहौर में एंग्लो वैदिक यानी DAV हाई स्कूल की स्थापना हुई। इसके 2 साल के भीतर ही अनेक हाई स्कूल, कॉलेज और गुरुकुल स्थापित हुए जिसमें स्वामी दयानंद के विचारों को मूर्त रूप दिया जाने लगा।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी दूरदर्शिता से देश, समाज, जाति, सामूहिक जीवन की जड़ता, अंधविश्वास के साथ ही अन्याय और शोषण को गहराई से देखा और जाना। वे अपने विवेकशील दृष्टि से उस गतिरोध को दूर कर समाज को एक नई दिशा देने के लिए जीवन भर प्रयास करते रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना कि भारतीय पुनरुत्थान और आधुनिकीकरण भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के आधार पर ही संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में अपना कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश रचकर धार्मिक और सामाजिक जगत में क्रांति ला दी। इस ग्रंथ का जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। सत्य के अर्थ की खोज और सामाजिक कुरीतियों पर इस ग्रंथ के जरिए जमकर प्रहार किया गया और ईश्वर की उपासना के साथ ही मानव जीवन के विभिन्न आयामों पर गहराई से प्रकाश डाला गया। आइए जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के इस कालजयी ग्रंथ के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती का कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश वैचारिक क्रांति का महान शंखनाद है। सत्य का अर्थ सत्य है और सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ सत्य के प्रकाश को पूरे विश्व में फैलाना है। ये पुस्तक सत्य और मिथ्या के भेद पर गहराई से प्रकाश डालती है। स्वामी दयानंद सरस्वती की मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना उन्होंने हिंदी में की। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि ईश्वर, जीव, प्रकृति ये सभी अनादि और अनंत हैं। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और सृष्टि के नियम भी अनादि और अनंत हैं। विज्ञान का भी यही मत है कि सृष्टि नियम यानी लॉज ऑफ नेचर अटल, अटूट और सार्वभौमिक है और इन नियमों का नियंता परमात्मा है। परमात्मा की सृष्टि के नियम न तो बदलते हैं और न ही टूटते हैं, न घटते हैं, न बढ़ते हैं और न ही घिसते हैं। इसलिए चमत्कार की बातें करना मात्र कोरा अंधविश्वास है। सत्यार्थ प्रकाश विश्व भर में व्याप्त बुराइयों और चमत्कारों को चुनौती देने वाला सबसे पहला ग्रंथ है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 10 अध्याय हैं और उत्तरार्ध में 4। इस प्रकार कुल 14 अध्याय हैं, जिन्हें समुल्लास कहा गया है। पहले समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या की गई है। दूसरे में संतानों की शिक्षा। तीसरे समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चौथे समुल्लास में विवाह और गृह आश्रम का व्यवहार। पांचवें में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सातवें में वेदेश्वर विषय। आठवें समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। नौवें में विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या की गई है। दसवें समुल्लास में आचार, अनाचार और भक्षा भक्ष्य यानी खाद्य और अखाद्य पदार्थ का विषय। ग्यारहवें में आर्यवर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन। बारहवें में चार्वाक, बौद्ध और जैन मत। तेरहवें और चौदहवें समुल्लास में ईसाई और मुसलमानों के मत पर प्रकाश डाला गया है। पुस्तक के अंत में स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश यानी मैं कौन सी बातें मानता हूँ और कौन सी नहीं शीर्षक से स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म से संबंधित 51 ऐसे विषयों की वैदिक मान्यताओं के आधार पर संक्षेप में व्याख्या की है। उनका चिंतन मूल रूप से वेद पर आधारित था, जो अपने उद्भव काल से ही स्वप्रमाणित, चिरंतन और शाश्वत समझे जाते रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटों का नारा दिया था। महर्षि दयानंद का सबसे जो अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, लाइट ऑफ ट्रुथ है, जिसमें 14 समुल्लास हैं, उसमें महर्षि दयानंद ने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया। लगभग मैं समझता हूँ 3-4 हज़ार ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला महर्षि दयानंद ने, उसके बहुत सारे चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, समुल्लास पढ़ेंगे तो पहले ही समुल्लास में जो आज भारत के समाज में सबसे बड़ी, विश्व समाज में सबसे बड़ी जो बात आ रही है, ईश्वर के बारे में, गॉड के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या है।
कोई शंकर कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई रुद्र कहता है, इन सब नामों की व्याख्या महर्षि दयानंद ने पहले ही समुल्लास में दी कि भाई ईश्वर तो एक ही है सच्चिदानंद स्वरूप, जिसका वेदों के अंदर वर्णन आया है कि वो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, अजर है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्यार्थ प्रकाश ने अंधविश्वास, कुरीतियों, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, श्रद्धा, तीर्थांटन पर जमकर प्रहार किया ही, इसके साथ साथ स्वाधीनता की रणभेरी भी बजाई। अपने इतिहास पर गर्व के भाव उत्पन्न किए, अपनी परंपरा के प्रति आस्था और संस्कृति के प्रति विश्वास जगाया, स्वदेशी का मंत्र जनमानस में फूंका। सत्यार्थ प्रकाश की इसी अनुभूति का प्रभाव था कि आर्य गरज कर गाया करते थे, कभी हम बुलंद इकबाल थे, तुम्हें याद हो कि न याद हो, हर फेन में रखते कमाल थे, तुम्हें याद हो या न याद हो। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के माध्यम से अनेक प्रकार की कुरीतियों का खंडन किया और लोगों को ये संदेश दिया कि बैक टू दी वेदाज, वेदों की ओर लौटो, तुम अपनी संस्कृति से प्यार करना चाहते हो तो वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। महर्षि दयानंद की सबसे बड़ी विशेषता रही कि उन्होंने किसी संप्रदायवाद को नहीं चलाया, बल्कि उनका ये मानना रहा कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि पर्यंत ऋषियों ने जो सत्य की बात कही, उसी को उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से कहने का एक संकल्प लिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विलक्षण व्यक्तित्व और कृतित्व से 19वीं सदी के पराधीन और जर्जर भारत को गहराई तक झकझोरा। उसका प्रभाव आज हम 21वीं सदी में भी महसूस कर रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेकर उन सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक अंधविश्वासों से लोहा ले रहे हैं जो दीमक बनकर समाज और धर्म को भीतर ही भीतर खोखला कर रही है। स्वामी दयानंद आधुनिक विश्व के ऐसे पहले विचारक हैं जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में सबके लिए अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का सिद्धांत रखा, कृषक और श्रमिक को राजाओं का राजा माना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक जगत की व्याधियों, दुर्बलताओं और त्रुटियों का गहराई तक अध्ययन किया था, रोग की जड़ में जाकर उसके अनुसार ही उपचार किया। दयानंद जितने प्रासंगिक 19वीं शताब्दी में थे, उतने ही प्रासंगिक हर युग खंड में रहेंगे। कारण, विज्ञान और तकनीक चाहे जितनी उन्नति कर ले, मनुष्य की धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की भाव भूमि वही रहेगी जो अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।